वक्त हो गया है खबरें सुपर फास्ट का, लेकिन उससे पहले आपको अहम खबर बता दें। पिछले 19 घंटे से जेएनयू के वीसी और रजिस्ट्रार समेत करीब 10 लोगों को स्टूडेंट्स ने बंधक बना रखा है। छात्रों का यह प्रदर्शन कल दोपहर 2:30 बजे से जारी है। आज तक से हुई बातचीत में वीसी एम जगदीश कुमार ने बताया कि कई लोग बीमार हैं, लेकिन फिर भी छात्र उन्हें जाने नहीं दे रहे। बलपूर्वक छात्रों ने उन्हें और उनके सहयोगियों को एडमिन ब्लॉक में कैद कर रखा है। हालांकि छात्र संघ के नेता बंधक बनाने की बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये बात वीसी ने जब आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की उसमें साफ किया कि उन्हें जबरन बंधक बनाया गया है। उन्होंने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने बल प्रयोग किया और उन्हें बाहर नहीं आने दिया। हमने जेएनयू के वीसी प्रोफेसर एम जगदीश कुमार से बात की, उन्होंने इस बातचीत में क्या कहा, आपसे कुछ देर पहले सुनिए। जी हम स्टूडेंट्स को जो एफर्ट हम किया मिसिंग स्टूडेंट को लोकेट करने के लिए इनसे बातचीत किया, फिर भी स्टूडेंट्स दे आर नॉट एग्रीइंग विथ व्हाट वी हैव टोल्ड देम। सो फॉर द लास्ट 2:30 PM ऑनवर्ड्स वी आर कन्फाइंड टू द एडमिन बिल्डिंग। देर आर कपल ऑफ पीपल हु हैव हाई ब्लड प्रेशर एंड दे आर डायबिटिक पेशेंट, they need medicine. Three of the students are not letting us go out. In spite of the fact we have done everything possible to locate in students. हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट हैं, तो डिस्कशन वी आर ट्राइंग टू कन्विंस देम, बट दिस काइंड ऑफ इलीगल कन्फाइनमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल दिस इज समथिंग टोटली अनवेलकम। The university cannot function by these kinds of pressure tactics. If everything fails, then we will have to take appropriate action to bring the university to normalcy. We are about 8 people. We slept here on the floor in the night. We had no food. We don't know for how long they will continue to block us like this. We are trying to talk to them. We don't want to unnecessarily call the police before using all options that are available to us. So we are still trying to convince the students to remove the blockade and let us function normally. If that doesn't work, then ultimately we will have no other option but to call the police. 2-3 times we try to go out, but they lied on the floor. They did not let us go. They pushed us back. In spite of our appeals, they did not allow us at all to go out. We are very much concerned about the kind of attitude shown by the students. जेएनयू के वीसी एम जगदीश कुमार ने यहां पर पूरी जानकारी दी कि वो किस हालात में वहां पर मौजूद है। कल 2:30 बजे से बंद है। हमारे संवाददाता रजत सिंह रात भर जेएनयू कैंपस में मौजूद रहे, उसको अपडेट कर वहां पर हमें जानकारी देते रहे। ताजा हालात क्या है वहां के, देखिए इस रिपोर्ट में। जेएनयू के छात्र नजीब अहमद 15 अक्टूबर से लापता है, जिसके बाद जो प्रदर्शन है, जो शिकायत है, उनका दौर चल रहा है। कल रात यहाँ पर जो जेएनयू एसयू के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने वीसी को बंधक बना के रखा है, उनके एडमिन ब्लॉक में बंधक बना के रखा है और पुलिस पर कार्रवाई ना करने का, सख्त कार्रवाई ना करने का आरोप भी लगाया। उसके बाद ये एक पोस्टर जो है वो जारी किया गया है, पुलिस की तरफ से इस पोस्टर को निकाला गया है, जिसमें 50,000 रुपये का इनाम सूचना देने वाले को कहने की बात की गई है। इस पोस्टर में नजीब अहमद की पूरी जानकारी दी गई है, आप देखिए। और थाना प्रभारी वसंत कुंज नॉर्थ की तरफ से इस पोस्टर को यहां पर लगाया गया, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है, नजीब अहमद की फोटो यहां पर मौजूद है, उनका हुलिया और किस रंग के कपड़ों में वो यहां से लापता हुए हैं उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है, और इसके साथ साथ 50,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। क्योंकि अब इस पूरे मामले में राजनीति जो है वो चरम पर है, वामपंथी जो संगठन है वो रात भर यहां पर एडमिन ब्लॉक के बाहर हंगामा करते रहे हैं, और अभी भी उन्होंने जो वाइस चांसलर है उन्होंने कई बार यहाँ से निकलने की कोशिश की गई, लेकिन उनको यहाँ से निकलने नहीं दिया गया, जिसके बाद पुलिस कल रात से ये पोस्टर जगह जगह पर लगाए गए हैं, जिसमें ये साफ तौर पर किया, ये कोशिश है ये दिखाने की कि पुलिस अपनी तरफ से कड़ी कोशिश कर रही है ढूंढने की, लेकिन अब तक गुमशुदा नजीब अहमद का पता नहीं चल पाया है। ऐसे में परिवार ज़रूर परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर राजनीति भी अपने पूरे चरम पर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक।
और इस पूरे मामले पर एबीवीपी के छात्र नेता सौरभ का क्या कहना है, सुनिए।